हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bewiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग। क्या स्टार्ट करना है? जीओसी वन। ये चैप्टर कैसा है? सबसे बढ़िया है, जिसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। नहीं, पक्का बोलो। करें फिर स्टार्ट। क्यों पढ़ते हैं जीओसी वन? हाँ, अपना फेवरेट क्वेश्चन है। क्या, किसके लिए पढ़ते हैं? सीखने के लिए। बस अब हर टाइम यही आंसर रहेगा। हाँ, जीओ सी टू के लिए पढ़ते हैं। तो कम से कम आंसर तो आने चाहिए ना अपने, है ना? कुछ ना कुछ तो बोलो। नहीं, कुछ तो बोलो। कुछ तो सोचा होगा आपने जीओ सी वन के बारे में। जीओ सी वन की फुल फॉर्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन, पार्ट वन। ठीक है, अब हम इसमें ना बेसिक सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, बेसिक सीखने अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाने से पहले। जैसे कोई भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, पहले क्या बनता है? बीच में इंटरमीडिएट बनता है ना। अब ये प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमीडिएट पे। जैसे जब आप पैदा हुए थे इतने बच्चे से, छोटे से ना, एगा तो बड़ा भी होगा ऐसे या छोटा। ठीक, अब जैसे धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे ना, तो धीरे धीरे कितने बड़े हो जाएंगे? आपके पापा की एज उसमें पहुंच जाओगे, फिर उससे ही बूढ़े हो जाओगे ना। ठीक है ना, दांत वांत सब टूट जाएंगे। ठीक, ऐसे ऐसे चलने लगोगे। सबके साथ होना ये तो तय है ना। अब मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपकी ओल्ड एज होगी उसको सबसे ज़्यादा इन्जॉय कौन कर पाएगा, मतलब उसको आराम से कौन जी पाएगा? हाँ, जिसकी, जिसने अच्छा खाया हो। अच्छा खाने वाले तो परेशान होते, इतना पेट फूल जाता है। सक्सेसफुल किसे कहेंगे हम? जो डॉक्टर, वाह, है ना। हमारा तो सबका बुरा हाल है फिर, टीचिंग वालों का तो डॉक्टर ही है आबाद, बाकी तो बर्बाद है। क्यों? जिसकी स्किन अच्छी होगी, जिसकी इंटरमीडिएट एज अच्छी होगी। और आप कौन सी एज में हो अभी? इंटरमीडिएट आपकी स्टार्ट हो गई है ना। तो अब आप कितना अच्छा पढ़ते हो, कितनी अच्छी रैंक लाते हो, कितने अच्छे कॉलेज में जाके कितना अच्छा सीखते हो, उतने ही अच्छे डॉक्टर बनोगे ना। समझ आ रही कि नहीं बात? मतलब हमारी इंटरमीडिएट एज जितनी अच्छी रहेगी, ये अब पीरियड जो अपना चलेगा 10-12 साल का, इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही सक्सेसफुल रहेंगे आगे की लाइफ में, है ना। ठीक, तो डिपेंड करता है कि अब जी ओ सी वन से हमें इंटरमीडिएट से यही सीखने को मिला है कि अभी मेहनत करो खूब। ठीक है, अगर अपने को जी ओ सी वन आता है तो ऑर्गेनिक अच्छी आएगी, ऑर्गेनिक अच्छी आएगी तो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे, नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे अच्छा एक्सपोजर होगा, अच्छा एक्सपोजर होगा तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आगे की लाइफ स्टेबल है। नहीं तो आप देखते ही हो ना, लोग बड़े होकर चोर भी बनते हैं, डाकू बनते हैं, चेन स्नैचर, है ना, बाइक उठाने वाले। ठीक, कुछ आर्मी में जाते हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर बनते हैं, कुछ मतलब सबका अपना अपना है ना, कुछ मास्टर बनते हैं, सब बनते हैं ना। तो वो डिपेंड करता ना उनका बचपन कैसा गुजरा, बचपन मतलब बचपन के बाद की लाइफ। अब मैं आपको जितनी अच्छी बातें मैं सिखाऊंगा तो आपकी आगे की लाइफ उतनी अच्छी होगी। अब मैं सिखाऊंगा ओनली उस पर डिपेंड नहीं करता, और किस पर डिपेंड करता है? हाँ, आप कितना सीखेंगे, है ना। मैं तो बराबर सिखा रहा हूँ ना केमिस्ट्री सबको, किसी के 170 भी आएंगे, किसी के 160 आएंगे, कोई 120 पे भी अटक जाएगा। अब डिपेंड किस पे किया? सीखने वाले पे ना। तो ये इंटरमीडिएट लाइफ है, जितना ज़्यादा सीख को उतना सीख लो, नहीं आगे की ज़िंदगी बर्बाद है। और इस लाइफ को ऐसा नहीं कि सीखते ही रहो, इसका मतलब ये भी है कि पढ़ते ही रहो बस दिन रात पढ़ रहे, ये मतलब नहीं होता। क्या होता मतलब? जब पढ़ो
हाँ अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जिंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है। क्या? कि एवरी संडे कम से कम 4 घंटे वो काम किया करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मूवी देखना, सोना। तो सोते तो डेली हो, कभी कभी अपने आप, हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, मेरी फेवरेट 3 हॉबी कौन सी है। सो पूछो अपने आप से कभी बैठ के, आप ढूंढ नहीं पाओगे। फेवरेट 3 ढूंढो, है कोई जो एक बार में बता देगा फेवरेट 3? हाँ बताओ। राइटिंग और तो राइटिंग 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 हो गई 3। 3 बोला मैंने, 3 सोचो। अरे मैं तो अपनी एक भी नहीं ढूंढ पा रहा, मुझे पता ही नहीं मेरी हॉबी क्या है अभी तक तो। कोई बोल तो नहीं रहा बकवास करना। हाँ कौन हाथ उठा रहा? हाँ जो फंसा है सब खा जाओ। अच्छा स्वीट्स नहीं मिलता है, मैं दुकान बता दूंगा अच्छी, मेरे से नीचे पूछ लेना। लेकिन एक बात है, जितनी लेके आओगे ना 100 ग्राम मेरी रहेंगी उसमें से। हाँ भाई चौथी तीसरी क्या थी? बैक ये हॉबी आपकी गुड यार। और कोई 3 हॉबी बता दे जो आपको? ये ऐसे बोलते हैं, ये बोला सही है ना, रीडिंग राइटिंग डांसिंग, वेरी गुड। तीनों ही बहुत अच्छी है और फर्स्ट वाली तो बेस्ट है। रीडिंग में क्या आता है? रीडिंग में तो कुछ भी कर सकते हो। अच्छा एक काम करना, लाइफ में कॉलेज में जाके बायो पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन नॉवेल्स बुक्स बहुत पढ़ना अच्छे अच्छे राइटर की, और एक न्यूज़पेपर डेली, है ना, ये लिख लेना कॉपी पे की करना है। GOC 1 के पहले लेक्चर में 2 सितंबर को बता गया ठीक है? चलो आ जाओ आप अपने इस पे। तो अपनी लाइफ मतलब अपनी ओल्ड एज को अच्छा बनाने के लिए आज हम इंटरमीडिएट अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आगे अपने को GOC के प्रोडक्ट भी अच्छे बनाने हैं। GOC के प्रोडक्ट सही से बना पाएंगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इंटरमीडिएट देखो, इंटरमीडिएट इसमें रिएक्टेंट में क्या होगा भाई बताओ? रिएक्टेंट में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप से होता है, पढ़ा आपने? एक तो होता है होमोलिसिस, होमो मीन्स सेम और लिसिस मीन्स बॉन्ड का टूटना, और एक हो सकता है हेट्रोलिसिस, है ना, हेट्रोलिसिस। अब जब भी होमोलिसिस होगा क्या बनेगा भाई? जैसे होमोलिसिस ये होता है, ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इन दोनों को पैरेलल तोड़ दो, मतलब बीच में से तोड़ दो, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, दिस इज होमोलिसिस। तो इन पे क्या आएगा? ए पे फ्री रेडिकल, बी पे फ्री रेडिकल। अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे बी के पास चले गए, ए प्लस बी माइनस। समझ आई बात? तो जब बी ये बनेगा, दिस इज हाइड्रोलिसिस, समझ आया बात? तो हाइड्रोलिसिस ये होता है, ठीक। तो होमोलिसिस में अपना क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल, है ना, और ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम कार्बन की रिएक्शंस, यानी कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में एक या तो कैटायन बन सकता है या एनायन, तो कार्बन का या तो कैटायन या एनायन, तो ये बनेंगे। तो होमोलिसिस में क्या बनता है अपना? कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और फिर और यहां पे क्या बन सकता है? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और कार्बनायन, और इसके अलावा और भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? कार्बिन, वो भी पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे GOC 2 में। और क्या पढ़ते हैं? नाइट्रीन। आज हम ओनली ये 3 पढ़ेंगे, ये 2 GOC 2 में करेंगे। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। आइसोमेरिज्म तो आ गया होगा ना अच्छे से समझ में अपने को, ठीक। अब GOC 1 उससे भी अच्छे से आएगी। एक बात नोट कर लो आप, जिसको आइसोमेरिज्म में दिक्कत नहीं आई मेरे पढ़ाते टाइम, उसको GOC 1 2 रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो ये बात कॉपी में, नहीं आएगी दिक्कत। अब देखो, अब जो ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा अपना। तो हमें अब इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा कैसे क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलिसिस, होमोलिसिस से कार्बन फ्री रेडिकल, हाइड्रोलिसिस से ये बनेंगे, ठीक। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो होमोलिसिस, होमोलिसिस कह दो इसको, इसको कह दो कोवलेंट क्लीवेज कह दो,
या नॉन आयनिक क्लीवेज बोल दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मतलब आयंस जिसमें ना बने दैट इज नॉन आयनिक क्लीवेज, ये वाला है ए और बी। इसमें मान लीजिए हमने होमोलिसिस करवाया, तो होमोलिसिस के केस में क्या होगा, ये बीच में से टूट जाएगा बॉन्ड, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास रहेगा, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास रहेगा, दिस इज होमोलिसिस। लिखो, अब हमें ये देखना होमोलिसिस रिएक्शंस में कब कब होगा, मतलब हम जब आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें रिएक्शन देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें होमोलिसिस हो रहा है। समझ आ रही ना बात, नोट डाउन कर लिया ये। अब कंडीशंस लिख लो कहां कहां हो सकता है। लिखे, सॉरी भाई, सबसे पहला इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, कहां पे होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा, लाइक बेंजीन CCl4 CH2 एटसेट्रा, बेंजीन CCl4 CH2 एटसेट्रा, CH2 नहीं CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। और कहां हो सकता है, हाँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। आप लिख देते हो रिएक्शन में ऐसे एच न्यू दिया रहता है ना, इसका मतलब रहता है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी क्या होगा, होमोलिसिस होगा। नेक्स्ट और कहां हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, लिखो हाई टेम्परेचर और वेपर फेज रिएक्शंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के बाद हमने लिखा हाई टेम्परेचर, फिर हमने लिखा वेपर फेज रिएक्शंस, और कहां पे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड जब दिए गए हों रिएक्शंस, जो अभी बता रहा हूं ना आगे रिएक्शंस में सारी चीजें देखने वाले हो आप, मतलब बेसिक यहीं से स्ट्रांग होगा अपना, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड्स और व्हेन अटैकिंग एजेंट इज फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल अटैक करेगा बॉन्ड पे तो फ्री रेडिकल ही बनेगा। लिखो व्हेन अटैकिंग एजेंट इज फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, जैसे ये ए बी बॉन्ड है मान लीजिए, या हम इसको एक्स वाई बॉन्ड कर लेते हैं, ये मान लीजिए एक्स वाई बॉन्ड है, और हम बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, तो हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा इस बॉन्ड के, वाई ले जाएगा, यानी एक्स के ऊपर एक्स का एक इलेक्ट्रॉन गया, जिसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम होगा उस पर हमेशा प्लस वन चार्ज आएगा, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, ये इलेक्ट्रॉन वाई का ही था, कभी ये मत बोलना हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते ना, आप बोलोगे सर इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन आए, वो दो इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास ये पूरा पेयर गया, एक तो ऑलरेडी खुद वाई का था ना और एक यहां से गया, या इसको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे दिखा दो, समझ आया, आधी दुनिया तो इसी कन्फ्यूजन में रहती, प्लस वन क्यों आ रहा है, माइनस वन क्यों आ रहा है, समझ आया कि नहीं आया, कन्फ्यूजन दूर हुआ, तो लिखो फिर लिखेंगे हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, लिखा भाई। अब देखो नेक्स्ट लिखो, कंडीशंस लिख दी, उसमें क्या लिखा था, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो ये किस में होगा, पोलर सॉल्वेंट में होगा, लिखो इन हाइड्रोलिसिस किस, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, एसीटोन क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, HF क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, एसिड्स जो होते हैं HF है, CH3COOH, इनको हम डिटेल में लिखेंगे, एक दो एग्जांपल लिख लो बस, जैसे H2O, एसीटोन, HF एटसेट्रा, नेक्स्ट GOC2 स्टार्ट में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, स्टार्टिंग में बिल्कुल, ठीक लिखा। इसके बाद नेक्स्ट लिखो सेकंड, उसमें क्या लिखा था, सेकंड कहां पे हो रहा है, सनलाइट, तो सनलाइट में तो होगा नहीं, फिर हमने लिखा हाई टेम्परेचर, ये किस पे होगा, लो टेम्परेचर पे, और क्या लिख सकते हैं इसमें, जब अटैकिंग रिजेंट क्या हो, आयन हो, तो आयन जब अटैक करेगा तो आयन्स के रूप में ही तोड़ेगा, ठीक है समझ आ रही बात, व्हेन अटैकिंग रिजेंट इज आयन, तो आयन क्या करेगा, आयन में ही तोड़ेगा, प्लस माइनस में ही तोड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखना है बोलो, एसिड बेस रिएक्शन में कैटायन एनायन बनते हैं, कहीं पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो कैटायन एनायन बनेंगे ना,
एसिड बेस रिएक्शन में। ठीक है, ये लिखा। अब हमने देख लिया होमोलिसिस, बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड का टूटना दो टाइप से हो सकता है, बॉन्ड क्या सिमेट्रिक टूट जाए, है ना, होमोलिसिस हो जाए, एक दोनों के इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास आ जाए। एक केस में हमने देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाए, दैट इज हेट्रोलिसिस। अब लिखो इनसे बनता क्या, होमोलिसिस से क्या बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल। लिखो कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ये ऐसा है, ठीक, ये ऐसा है, यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसका होमोलिसिस हो जाए कोई भी कंडीशन दे रखी है ऊपर वाले उनके केस में, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो यहां हमें क्या मिलेगा, ठीक, ये मिलेगा। और एक दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल, क्या है ये, कार्बन फ्री रेडिकल। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात इसका शेप कैसा होता है, नॉर्मली जो बात करते हैं टेट्राहेड्रल पिरामिडल। अरे ये तो नॉर्मली ऐसा होता ना, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम उसमें पढ़ते ही हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉर्मली क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन के जैसा होता है ये, तो इसको क्या बोल देते हैं सीधा, दिस इज sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, एक दो तीन बॉन्ड यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 7 इलेक्ट्रॉन, ट्राइगोनल प्लेनर है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो क्या होता है, अनस्टेबल होगा, और जो अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा, जो स्टेबल है वो कभी रिएक्ट करता है, इनर्ट गैसेस नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। अब जिसका अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन है वो इधर उधर भागेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फिगरेशन के लिए, तो ये उधर उधर भागेगा और जो भी दिखेगा उसके ऊपर अटैक कर देगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल होगा तो इसको ऐसा लिखो बल्कि हाईली अनस्टेबल, और जो हाईली अनस्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव, मोर, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, समझ आई बात। अब अच्छा ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और आगे हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, ये हम GOC2 में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिन, या फिलिन है यहाँ पे वर्ड रूट, पढ़ा होगा ना आपने इंग्लिश में, फिलिन वर्ड रूट है, तो फिलिन मीन्स टू लव, तो इलेक्ट्रॉन लविंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार हो, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा जे, ठीक है, समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, जल्दी से लिखो। कार्बन फ्री रेडिकल लिख लिया सबने, रफ कर दूं, चलो बड़े इंटेलिजेंट हो, आगे देखो। अब हाइड्रोलिसिस वाला केस करेंगे हम लोग, मान लीजिए अब साथ के साथ लिख लो ना, इस बार तो बता दिया क्या पैटर्न है, जैसे मान लीजिए यहां पे सी किसी वाई एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक, और यहां पे वाई जो है वो क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इस केस में मान लीजिए यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाए तो वाई क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ले जाएगा अपने साथ, और कार्बन पे बेचारे में क्या आएगा, प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और वाई पे माइनस चार्ज, दिस इज कार्बोकैटायन, दिख रहा है, तो कार्बोकैटायन कैसा होगा, ये कार्बोकैटायन ऐसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, जल्दी बोलो, sp2 शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा, उसके बाद क्या बोला आपने, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका भी, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये बेचारा इधर उधर दौड़ता फिरेगा, और फिर हाईली अनस्टेबल है तो मोर रिएक्टिव होगा, और मोर रिएक्टिव है, और ये कैसा रिएक्टिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑल्सो इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई को, लिखा, लिख लो साथ के साथ, इसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं।
एनायन, हाँ कार्बेनायन। जैसे ये मान लीजिए, ये यहाँ पे मान लीजिए जेड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा बॉन्ड के, कार्बन ले जाएगा, तो ये दोनों इस पे जाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज कॉल्ड कार्बन आयन। और ये कैसा होता है दिखने में, ये ऐसा होता है, दिस इज पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, पिरामिडल। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट, क्या है इसका ऑक्टेट, कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल हो गया अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अभी भी ये अनस्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी अनस्टेबल है, बताओ क्यों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ रहे हो एक बात का ध्यान रखना, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तब भी दिक्कत है, कार्बन पे प्लस चार्ज है तब भी प्रॉब्लम है उसकी, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तब भी प्रॉब्लम है, ठीक। इसको नेगेटिव चार्ज भी अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव नहीं लगता, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर इसके पास है तो देना चाहता है, काश दुनिया में भी ऐसा ही होता, अमीर लोग देना चाहते, गरीब लोग लेना चाहते, गरीब लोग तो लेना चाहते हैं लेकिन अमीर लोग देना नहीं चाहते हैं, तो तुम क्या उम्मीद करते हो। अंबानी सर प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, वही हाईली अनस्टेबल मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, क्या लिखा, हाँ इलेक्ट्रॉन रिच, मैं पता नहीं बाबा बाबा के बारे में बोल रहा है कुछ, तो वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। अब वर्क एज न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फाइल मींस फिल इन वर्ड रूट टू लव, न्यूक्लियोन न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियोन लविंग बोल दो, यानी न्यूक्लियस को जो अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है नेट, तो जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। समझ आया कि नहीं, आप जल्दी से लिख लो, लिख लिया, चलो भाई इधर देखो, हमने ये कर लिया। अब अच्छा हमने क्या पढ़ लिया, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, और हमने ये बोला था प्रोडक्ट, देखो अपने को रिएक्शन से क्या बनाना, प्रोडक्ट बनाना है ना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हम क्या चाहते हैं, बहुत घटिया बने बहुत बढ़िया बने, बढ़िया प्रोडक्ट कब बनेगा, इंटरमीडिएट जब स्टेबल होगा, अच्छा इंटरमीडिएट होगा। अच्छा इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, हमने इंटरमीडिएट देख लिया क्या होते हैं, अब उसकी स्टेबिलिटी को कौन डिफाइन करेगा, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ऐसा टीचर नहीं मिलेगा इतनी सिंपल भाषा में समझाने वाला, लिख लो बस जल्दी से, मौका मिला इस साल आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, पहला फैक्टर लिखो, अब ये चार चीजें लिख रहा हूं, चार फैक्टर बस यही पढ़ेंगे पूरा GOC1 में, GOC1 मैक्सिमम 10-11 लेक्चर, ठीक, और 15-16 लेक्चर GOC2, मतलब 30 सितंबर तक हम GOC1 और GOC2 फिनिश कर देंगे। लिखो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, आज कितना सेकंड है ना, सितंबर, सेकंड सितंबर तो आराम से हो जाएगा, क्या लिखा, पहला लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करता है, दूसरा रेजोनेंस, रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, चौथा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, पढ़ लिए चारों, ठीक है, बस ये चार हो गई GOC1, ठीक है भाई, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लाना, नहीं तो यही चार तो पढ़ाने थे, पढ़ा दिए, नेक्स्ट क्या करूं, डिटेल में पढ़ाऊं, डिटेल में पढ़ना तो लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, हेडिंग लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है इंडक्शन होगा, इंड्यूस होगा, जैसे जब हम, जैसे मान लीजिए कार्बन है ना क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ये कार्बन जब क्लोरीन के साथ जुड़ा रहता है तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा पार्शियल शिफ्टिंग होती है इसकी तरफ,
और इन इस पार्शियल शिफ्टिंग से इस पे डेल माइनस आता है। जैसे आप बच्चे थे ना जब, अब जैसे आपके मम्मी पापा बाहर जाते थे, क्या करते थे आपको, मतलब घर पे ही रहना क्या करते थे, 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए ना, ऐसे यही तो होता होगा भाई। हमारे टाइम पे 3, 4, 5 मिलते थे, आपके टाइम पे 50, 100 मिलते होंगे, 500 तक मिलते होंगे, मतलब ऐसे ही नहीं, वो मिला होगा ना बचपन में छोटे थे जब, मिला था ना, नहीं मिला, इसके इसके साथ सब कुछ उल्टा हुआ है। ठीक है, आपको आपको नहीं बता रहा, इनको समझा रहा हूँ, आप यहीं पे समझ लेना बस। जैसे हमें पैसे मिलते हैं, दो लोग हैं है ना, भाई बहन है, कोई दो भाई है, कोई दोनों सिस्टर हैं है ना, तो उनमें से एक क्या रहता था, निकम्मा है ना, मतलब हर चीज़ की जिद है ना, हो सकता है आप में से भी रहे होंगे ना, छोटा रहता है तो उसका अधिकार रहता है उसमें सबसे ज़्यादा, हालांकि है वो 10 में से 5 5 आपके, 5 उसके 5 उसके, उसको ये भी पता है अगर तूने 10 के 10 छीने तो तेरे को थप्पड़ लगेंगे, आते ही लगेंगे ना, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता कि मेरे ये 10 के 10, अब मतलब खर्च करने या करने अपनी जेब में डाल के रखना, ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता कि उसका अधिकार है। तो ऐसे ही इन दोनों में ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है थोड़ा बदमाश रहता है, ठीक, तो ये बदमाश अपने ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, हालांकि दोनों का हक है दोनों इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन ये बदमाश टाइप तो थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होने, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा तो इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और जो ये इंडक्शन हुआ दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आई बात, लिख लो, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ, हाँ ऐसा लिख लो, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और ये किसके कारण होता है, दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। वैसे हमने इस लाइन में ये लिख ही दिया, लिखना तो लिख लो, ठीक है, समझ आ गई, लिखना क्या, ये बना लो, ये नोट डाउन कर लो, जल्दी लिखो, लिख लिया भाई, अब लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ए परमानेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट का मतलब क्या हुआ, अपने आप हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, विद इन ए मॉलिक्यूल अपने आप है, दैट इज परमानेंट इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस अपने आप होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अपने आप होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम जब रीजेंट यूज करते हैं तब आता है, अगर वो यूज नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, उसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम आगे पढ़ेंगे, वो टेम्परेरी इफेक्ट, ये तीनों क्या होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे, ये परमानेंट इफेक्ट है। समझ आएगी नहीं आई बात, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, हो गया। अब लिख लो इसमें, जैसे एंड आफ्टर 3 और 4 एटम, आफ्टर 3 और 4 एटम इट डिसअपियर्स। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये चेन बना रहा हूं मैं कार्बन की, ये 4 कार्बन ले लिया और मैंने फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन को लगा दिया, तो इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो इस पे अब ये इसके इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे और कम पॉजिटिव आएगा, फिर इसके ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो ये इसके थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे और कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव आएगा, मतलब मैं डेल जितने बढ़ा रहा हूँ ना उतना ही छोटा नंबर होता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ आते आते 0 हो जाएगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। कोई डाउट है क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, समझ आई बात। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या कंसीडर किया गया है, 0, और इसके बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप बना दिए गए, कौन सा, पहला प्लस आई और दूसरा माइनस आई, लिखो जल्दी से, फिर प्लस आई माइनस आई सीरीज याद करवाता हूं आपको,
लिखा भाई, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब देखो, रफ कर दूं इसको, सबका नोट डाउन हो गया। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का है? दो टाइप का है, प्लस आई और माइनस आई। अब हम स्टार्ट करते हैं आई सीरीज, प्लस आई सीरीज लिखो पहले। कौन से क्या करेंगे, कौन से एटम या ग्रुप क्या करेंगे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे? प्लस आई सीरीज, प्लस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या वो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बोलेंगे। समझ आ रही बात? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे बढ़िया कौन होंगे भाई? एक तो एनायन होते हैं और एक न्यूट्रल एटम भी होते हैं ना, न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एनायन की बात करते हैं, मान लीजिए मैं लिख दूं, एक तो कार्बन का एनायन लिख दिया मैंने, एक मैंने नाइट्रोजन का एनायन लिख दिया और एक मैंने लिख दिया ऑक्सीजन का एनायन। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? CH2-, क्योंकि इन पे है सब पे नेगेटिव चार्ज, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो लेकिन एक बात बताओ, सबसे इजीली कौन देगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी? तो ये इजीली देगा, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? इसके बाद अब हम इसको कंपेयर करते हैं इससे। इसमें देखो, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अब कौन देगा? ओ माइनस ज्यादा देगा, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस मैंने कहां पढ़ाया? जब मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, तो आप आगे की बात क्यों बोल रहे हो? ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो यहां पे रेजोनेंस नहीं है। देखो, ये तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम से, और इसके बीच में और इसके बीच में जो डोनेटिंग है उसके बीच में क्या है? एक कार्बन एटम आ गया। तो यानी डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस बढ़ा उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हुआ, इसलिए इसका ज्यादा है। डिस्टेंस फैक्टर आ गया ना। नहीं समझ में आई? अगर बात करें हम न्यूट्रल एटम्स की, तो ये न्यूट्रल एटम में ऐसा कुछ होता है, ये CH3, अब ये CH CH3 CH3, और ये आया आपका CH2 CH3। इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का। इस पे ज्यादा ग्रुप लगे पॉजिटिव, और फिर ये, और फिर क्या आएगा? CH3, और CH3 में भी CT3, पहले ये वाला, फिर CD3, और फिर CH3। समझ आया कि नहीं? अब नेक्स्ट हो गया प्लस आई, नेक्स्ट क्या करें? माइनस आई सीरीज। माइनस आई सीरीज के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होंगे? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो कैटायंस का होगा, और कैटायंस के बाद कौन आएंगे? पोलर पाई बॉन्ड वाले, पोलर पाई बॉन्ड, और फिर आएंगे आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। समझ आ रही बात? मतलब ये याद रखने के लिए है। देखो, सबसे पहले कौन आएंगे? कैटायंस आएंगे। जैसे NF3+ है, NR3+ है, और NH3+ है। सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, सब में कॉमन है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहां फ्लोरिन लगा है, फ्लोरिन उसके और भी खींच रहा होगा, और भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा होगा उस पर, तो सबसे ज्यादा इसका आया। फिर इन दोनों में NR3+ का क्यों आएगा? एक्चुअल में क्या होता है, देखो अब हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन का इसका ज्यादा आएगा। अब आप देखेंगे, सर यहां तो इसके R लगे हुए हैं 3, और ये तो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन देके। बात तो सही है, हाइड्रोजन का तो 0 है भाई, इसका तो प्लस चार्ज कम कर रहे हैं ना ये, इसका ये तो 0 है, इसका तो इफेक्ट, इनका प्लस आई है, तो इसका प्लस चार्ज कम कर रहे होंगे ना, यानी कम होना चाहिए था इसका। लेकिन क्या होता है, जब ये चीज जो चेक की जाती है, ये हमेशा सॉल्यूशन में चेक की जाती है, और होता क्या है, इसके चारों तरफ ये छोटा है, तो इसका हो जाता है सोल्वेशन। जैसे मान लीजिए वाटर में डाल दिया, तो वाटर का, वाटर है पोलर कंपाउंड, तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी कंपेरेटिवली, और कम होने की वजह से इसका माइनस आई कम हो जाएगा, और इस इफेक्ट को कहते हैं सोल्वेशन इफेक्ट। कोई डाउट है क्या? है ना, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है NO2, ये पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये दूसरे कार्बन के खींचेगा इलेक्ट्रॉन जिससे अटैच होगा ये, ठीक। फिर इसके बाद कौन आएगा? साइनाइड कार्बन SP, ये इधर टूटेगा ऐसे, माइनस प्लस, ठीक। इसके बाद कौन आएगा?
एसिड, फिर इसके बाद कौन आएगा CHO, एल्डिहाइड, और इनके बाद कौन आते हैं हैलाइड। ये तो पता ना, ये भी पोलर पाई बॉन्ड है ना, और यहां पे तो जीरो इफेक्ट है, ये तो माइनस आई खींच रहा है इसलिए ज्यादा इसका OH, और यहां पे हैलाइड्स आएंगे। हैलाइड्स के केस में आपको याद करना है फ्लोरिन, फिर क्लोरिन, फिर ब्रोमिन और फिर आयोडीन आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा OH और OR में, देखो OR और OH में ज्यादा होगा OH का, OR का सॉरी, OR में भी वही क्या है सोल्वेशन इफेक्ट है, क्योंकि R बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है यहां भी और वहां भी, तो R उसको अप्रोच नहीं कर देने देता वाटर को, और जब वाटर अप्रोच करेगा उसको ताकि उसका थोड़ा बहुत जो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव है थोड़ा बहुत वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं उसकी, तो ये आर अप्रोच ही नहीं करने देता। ठीक, इसको तो अप्रोच कर जाता है, इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसको चाहिए थोड़ी सी इसकी तरफ शिफ्ट कर देता है, लेकिन OR के केस में नहीं हो पाती। समझ आई बात? इसके बाद कौन आएगा एल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर कौन आएगा NH2। देखो अब कार्बन sp है, यहां पे कार्बन sp है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मैंने बताया था ना आगे काम आएगा ये, तो इसकी 3.25, और यहां पे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपका sp3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। और फिर आएगा आपका क्या फिनाइल ग्रुप, और उसमें सबसे कम आएगा विनाइल ग्रुप का, फिर इसमें इसलिए ज्यादा आ रहा है इसका क्योंकि तीनों तीन तीन पाई बॉन्ड खींचेंगे। समझ आया कि नहीं यार? ये ऑर्डर सबको समझ में आया अच्छे से? जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्या कैटायन? अरे उसके बाद, हाँ आई के बाद आएगा, आई के बाद ये आएगा। कौन सा पूछ रहे? अच्छा मैं बोल रहा हूँ कैटायंस का सबसे ज्यादा होगा, फिर पोलर पाई बॉन्ड का, फिर जिनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे OH वगैरह हमें पार्शियल उनपे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, जैसे इन पे भी तो पार्शियल पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग पाई पोलर पाई बॉन्ड वालों पे, एक ही बात है वो। लिखो भाई जल्दी, 5 मिनट बच गए, जल्दी करो, थोड़ा सा और बचा है पूरा ही करवा दूंगा। क्या यूज करेगा? NO2 यूज करेगा, CN यूज करता है मेनली, CHO यूज कर लिया, ज्यादा ज्यादा हैलाइड यूज कर लिया, OH, OR, NH2, ये तो बाकी तो बहुत कम यूज करता है, इनका ऑर्डर पता होना चाहिए बस, और ऊपर वाला तो ऑर्डर है ही आसान, इसमें तो दिक्कत आती है, यही पूछता है एग्जामिनर, सब कुछ यूज नहीं करता ये जो मैंने रेड पेन से टिक कर दिए। ठीक है, कर लोगे? जल्दी नोट डाउन करो। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये सभी वीडियो लेक्चर आपको बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डेली एक लेक्चर आएगा मंडे टू सैटरडे। लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। पहले एप्लीकेशन लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरी एप्लीकेशन लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, ये तो एक ही बात है ना स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लेस करके लिखना कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लिखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कार्बन आयन। तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या हुआ नहीं लिखे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। थर्ड एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ, फोर्थ एप्लीकेशन बेसिक स्ट्रेंथ। ये चार एप्लीकेशन हमें इसमें पढ़नी है आज में और कल में। आज हमें एक ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कौन सी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें लिखे पहला, सबसे पहला फर्स्ट क्या है, रूल वन लिखो। रूल वन, रूल वन क्या होता है? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल इज डिफरेंट, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल को एक ही बात मान ले आप, तो देखो क्या होगा इसमें। जैसे ये दे दिया CH3 CH2 प्लस
और CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये और ड्राएगा कि नहीं आएगा, किसी को डाउट है या कोई समझा? रूल टू, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जैसे अगर हम बात करें, ये बना दिया हमने, ये कार्बोकैटायन बना दिया, एक ये बना दिया, एक हमने ये कार्बोकैटायन बना, सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रूल थर्ड, रूल थर्ड क्या कहता है? इफ रूल वन अभी मत लिखो एंड रूल टू फेल देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली कार्बन, कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, भाई जो उसको क्या चाहिए कार्बोकैटायन को, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है? प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, यानी उसको वीक कर देगा, क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। रूल फोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल का मतलब समझते हो आप? सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर क्या आएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहला, चाहे कितना भी पावरफुल ग्रुप कहीं पे लगा है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा काम करेगा। चाहे कितने भी ग्रुप लगे कहीं पे भी, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। डिस्टेंस के बाद अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, अगर नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा लगे हो प्लस आई या माइनस आई वो काम करेंगे, और अगर नंबर के बाद क्या डिस्टेंस भी सेम हो जाए नंबर भी सेम हो जाए, एक ही जगह पे एक एक ग्रुप लगा या दो दो ग्रुप लगे हैं, तो हम पावर से कंपैरिजन करेंगे जो हमने अभी ऑर्डर लिखा था, प्लस आई माइनस आई पावर नहीं लिखी अभी, तो समझ आया कि नहीं आया? तो ये रूल्स हैं, जल्दी से लिख लो फिर एग्जांपल करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसको आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लगाना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी पावर कंपेयर हो जाएगी। ठीक, करे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? सीधा सीधा या तो सिंपल, ये देखो कॉमन चीज देख लिया करो, ये सब में कॉमन है ना, ये सब में कॉमन है ना, ये वाला। अब देखो इसमें प्लस आई लगा है, इसमें भी एक ग्रुप प्लस आई लगा है, इसमें कुछ भी नहीं लगा इसके अलावा, कॉमन के अलावा ना। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका होगा इंडक्टिव इफेक्ट, ये लगा दूर और वो लगा पास, तो प्लस आई स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले में 10 ऑप्शन है। अब 10 ऑप्शन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप ना मैक्सिमम में क्या लगे हैं, माइनस आई, तो प्लस आई जहां लगे सबसे ज्यादा स्टेबल हुए होंगे, कौन से मिलेगा, फिफ्थ में और नाइन्थ में, दोनों की पोजीशन सेम है यानी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो यहां पे कितने प्लस आई लगे, ओनली वन, यहां पे कितने प्लस आई लगे, ओनली वन, तो यहां पे भी एक प्लस आई, या मिथाइल या इथाइल, तो मिथाइल का ज्यादा होता है या इथाइल का, इथाइल का, तो यानी नाइन्थ सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फिफ्थ, कोई डाउट है क्या? अब देखो माइनस आई क्या करेगा, हमेशा डिस्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, जो माइनस आई सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, ये वाला माइनस आई सबसे कम डिस्टेंस पे है, और है क्या, देखो नहीं समझ आई बात, ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। अब और की बात करो, इसके अलावा ना सबसे कम कम
माइनस आई किसका होगा? यहां पे एक लगा, यहां पे एक लगा, यहां पे एक लगा, डिस्टेंस सेम इनका, इनका सबका डिस्टेंस सेम है, सेम है ना सबका, और सब में एक एक लगा है। अब देख लो माइनस आई पावर सबसे कम किसकी इनमें से, जिसकी सब, या उल्टी उल्टी साइड से शुरू कर दो, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है माइनस आई का, तो वन सबसे कम स्टेबल, उससे स्टेबल कौन होगा जिसकी माइनस आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा किसकी है, एनओ टू की, एनओ टू फोर्थ, फिर अब इससे कम माइनस आई देखो किसका, एट्थ का, और फिर इससे कम माइनस आई किसका है, हैलोजन्स का, हैलोजन्स आएंगे ना, हैलोजन्स आएंगे, सी एल और बी आर लगा ना दो जगह सेकंड और थर्ड में, तो सी एल का तो कम हो, ज्यादा होगा माइनस आई, कम स्टेबल, और बी आर का कम होगा माइनस आई, तो ये ज्यादा स्टेबल। फिर इसके बाद सेवन और कौन सा बचेगा, सेवन और सिक्स बचा क्या, ओनली सेवन सिक्स और टेंथ, तो इसमें तो इसका माइनस आई सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टेंथ, तो यहां आएगा। अब इन दोनों में कौन आएगा, ओ एच में और ओ सी एस थ्री में, ओ सी एस थ्री का ज्यादा होता है तो ये कम स्टेबल करेगा उसको, सेवंथ और सिक्स हो गया, सारा रिवाइज हो गया ना, माइनस आई प्लस आई पावर, नहीं समझ आया। नेक्स्ट देखो थर्ड, देखो थर्ड में क्या है, सब में डिस्टेंस सबसे कम किस में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि माइनस आई लगा हुआ है, सब में माइनस आई लगा, किसी में प्लस आई तो लगा ही नहीं है, तो सारे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, क्यों, क्योंकि उसमें दो ग्रुप लगे हैं, डिस्टेंस बाकी का सबका सेम है, और इन तीनों का भी सेम है डिस्टेंस, तो इनमें कौन होगा, एनओ टू, एनओ टू का माइनस आई बहुत ज्यादा होगा, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा, और इसे थोड़ा सा कम डिस्टेबलाइज करेगा, फोर्थ सी एच, और ये फिफ्थ वाला सबसे कम डिस्टेबलाइज होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन तो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या माइनस आई लगा सी एच ओ, ये माइनस आई लगा, ये माइनस आई लगा, तो वन में क्या लगा, प्लस आई, तो वन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर इनमें सबसे कम माइनस आई किसका है, सेकंड वाले का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, कोई डाउट है क्या, लिख लिया, किसी को आंसर नोट करने हैं, करने तो जल्दी करो। लिख लिया भाई, और क्वेश्चंस लिख दूं, करूं स्टार्ट, सबसे पहला देखो इधर, नहीं कितने फोर क्वेश्चन हो गए ना, फिफ्थ आ गया, चलो साथ के साथ नोट करो और सॉल्व भी करना है, लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, लिखो जल्दी। देखो इधर पहले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लो, माइनस आई मैक्सिमम जगह माइनस आई जगह लगाए, एक ही जगह है प्लस आई लगाए, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन आएगा, थर्ड आ जाएगा, फिर कौन आएगा, फर्स्ट, क्योंकि देखो फिर सब में क्या है, फर्स्ट कैसे आएगा, उसका डिस्टेंस सबसे कम है, बहुत डिस्टेबलाइज करेगा ना फर्स्ट और सेकेंड, तो अब डिस्टेंस इनका दूर है और ये माइनस आई लगे हुए हैं, तो ये कम डिस्टेबलाइज करेंगे, यानी स्टेबल रहने देंगे, तो इन दोनों में भी ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, यहाँ एक ग्रुप लगा, यहाँ दो ग्रुप लगे, तो डिस्टेंस के बाद क्या देखते हैं, नंबर, इनका डिस्टेंस ज्यादा है तो इनका माइनस आई कम लगेगा, और इन दोनों में इनका इनका ज्यादा माइनस आई लगेगा क्योंकि दो लोग हैं, तो फिर वन के बाद कौन है, वन थोड़ा आएगा, फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर अब उन दोनों में जिसका माइनस आई कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सी एल का कम है और फिर सेकेंड, समझ आया सबको। अब ये भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
इसमें देखो, यहां पे देखो प्लस चार्ज है, सब पे प्लस चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन, हर जगह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबसे सबसे कम विड्रॉ कहां कर पाएगा, इस दो केस में, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहां पे तो बिल्कुल एक कार्बन के बाद है, यहां पे दो कार्बन के बाद है, तो यहां पे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यानी ये वाले कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेंगे, और ये वाले कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेंगे, तो इन दोनों में कौन रहेगा, जिसका माइनस आई कम होगा, किसका होगा माइनस आई कम, फोर्थ का, फिर थर्ड, और उन दोनों में क्या करेंगे, सेकंड, फिर फर्स्ट, कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट वाले में कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बोकैटायन जैसा मान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सब पहले चारों में क्या है, इस ये तो नॉर्मल है, इसका कुछ अलग ग्रुप लगा नहीं, सब में एक, ये तो कॉमन ही है सब में, ठीक, ये देखो ये सब में कॉमन है ना, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके प्लस आई लगा हुआ, प्लस आई लगा पहले तीन ग्रुप में, तो फर्स्ट फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और इन दोनों में यहां पे जीरो, यहां पे माइनस आई, तो फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सब जगह माइनस आई लगे हैं, सब जगह माइनस आई, यहां पे कुछ नहीं लगा, यहां पे जीरो है यानी, तो क्या बोलेंगे, फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर, और जीरो मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कॉमन कॉमन जो आ रहा है उसमें कुछ नहीं लगा इसमें ना, कहीं सोचो वैसे इसको प्लस आई दे रहे हैं यहां से, ठीक, तो फिर इनमें सब में माइनस आई है, तो ये तो बहुत डिस्टेबलाइज करेंगे, नहीं करेंगे, अब सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका, वो कम डिस्टेबलाइज करवाएगा माइनस आई में, सेकेंड, फिर इनमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में, फोर्थ में सब में पोजिशन सेम है, नंबर डिस्टेंस सेम है, अब नंबर पे जाएंगे, इनमें नंबर दो दो हैं दोनों में, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, वो कम करेगा, यानी फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और इन दोनों में कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, सबका नंबर देखो, वन टू थर्ड कार्बन पे दो, इधर भी वन टू थर्ड थर्ड कार्बन पे दो, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि है तो दोनों का नंबर तो सेम हो गया, अब पावर से करेंगे, तो फ्लोरिन और क्लोरिन की पावर ज्यादा होगी, क्लोरिन ब्रोमिन की कम होगी, माइनस आई पावर कम, तो फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल, थ्री वाला उससे ज्यादा स्टेबल होगा, किसी को डाउट है इसमें कोई, चलो भाई, ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन होता फिर तो इक्वल आ जाता ना, और क्या, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस देखेंगे ना कार्बोकैटायन से, समझ आया भाई, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, कर लोगे, तो अभी तक अगर आपने आइसोमेरिज्म का अगर कोई वो सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्योंकि कल से इसमें होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल इंडक्टिव इफेक्ट पूरा हो जाएगा, आज कोई होमवर्क नहीं, इसमें नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक, और वो मिस्टेक वगैरह लिख लो अपने टेस्ट की आइसोमेरिज्म की, और मुझे दिखा दो, टेस्ट कर लिया हो तो आपने, है ना, वो मिस्टेक दिखा दो मेरे को, ठीक है, कोई डाउट है किसी का, थैंक यू।